प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ठोंसों के संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ ठोस वस्तुएं जैसे घन, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु है। आइए एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। इसका किनारा A है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए का वर्ग है। लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्तीय आधारों के क्षेत्रफल को जोड़कर प्राप्त होगा, जो कि 2πRh जमा πR का वर्ग जमा πR का वर्ग है। इसलिए यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh जमा 2πR का वर्ग होगा। अब हमारे पास एक लंबवृत्तीय शंकु है। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा वृत्तीय क्षेत्रफल है। इसलिए वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जहाँ एल त्रियक ऊंचाई है और वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जमा पाई आर का वर्ग होगा। अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जब हमारे पास दो ठोसों का एक संयोजन है। यहाँ हमारे पास एक घन है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय बेलन लगा हुआ है। अब यदि हमें ऐसे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम जमा कर दें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और लंबवृत्तीय बेलन का? क्या यह सही होगा? नहीं। यहाँ देखिए, हमारे पास आधार पाई आर का वर्ग का एक लंबवृत्तीय बेलन है जो घन के एक फलक के संपर्क में है, इसलिए यह एक दूसरे पर आच्छादित है और इन्हें केवल एक ही बार लिया जाएगा। वक्रीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन का जमा वृत्तीय क्षेत्रफल जमा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हम सूत्र 6 ए का वर्ग घटा पाई आर का वर्ग जमा 2 पाई आर एच जमा पाई आर का वर्ग, अर्थात 6 ए का वर्ग जमा 2 पाई आर एच का प्रयोग करेंगे, जो परिकलित करने पर हमें देता है, जब घन का किनारा 9 सेंटीमीटर लिया जाता है और लंब वृत्तीय बेलन का व्यास भी 9 सेंटीमीटर लिया जाता है, तब स्पष्ट रूप से त्रिज्या 9/2 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। परिकलित करने पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा 9 का वर्ग जमा 2 पाई आर एच अर्थात 2 गुणा 3.14 गुणा 4.5 गुणा 8 वर्ग सेंटीमीटर है, जो हमें 486 जमा 226.08 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 712.08 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए ठोसों के इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 712.08 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए अब हम एक और स्थिति पर विचार करें जहां लंबवृत्तीय बेलन से एक लंबवृत्तीय शंकु जुड़ा हुआ है। अब यहां देखिए, हमारे पास तीन ठोस वस्तुओं का एक संयोजन है, घन, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। यहां कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? क्या हम तीनों ठोसों के अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ लें? नहीं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां हमारे पास ठोसों का एक संयोजन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन का जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु का है। यहां शंकु के आधार के क्षेत्रफल और बेलन के आधार के क्षेत्रफल को छोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 ए का वर्ग घटा पाई आर का वर्ग
जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय बेलन पाई आर एच जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय शंकु पाई आर एल जहां त्रियक ऊंचाई एल 14 सेंटीमीटर है। इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं 6 गुणा 9 का वर्ग घटा 3.14 गुणा 4.5 की घात 2 जमा 2 गुणा 3.14 गुणा 4.5 गुणा 8 जमा 3.14 गुणा 4.5 गुणा 14 वर्ग सेंटीमीटर, जो आगे परिकलित करने पर ठोंसों के इन संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846.32 वर्ग सेंटीमीटर देता है। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि ऐसे ठोंसों के संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन ठोंसों के अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होना आवश्यक नहीं। ठोंसों के ऐसे ही कुछ अन्य संयोजनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आप स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।